तो आज हम बाल गंगाधर तिलक जी को डिस्कस करने वाले हैं, और हम बाल गंगाधर तिलक को जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे तो जब मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूँ, उनका जन्म 1856 में होता है एंड 1920 में उनकी डेथ हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक जो है वो कांग्रेस के लीडर थे, और कांग्रेस का जो एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन था लीडर्स का, उसके अंदर वो आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या होते हैं। कांग्रेस के अंदर दो तरह के फैक्शंस थे, एक फैक्शन वो था जो मॉडरेट्स थे और एक वो थे जो एक्सट्रीमिस्ट थे। जो मॉडरेट्स होते हैं ना, वो स्लोली और स्पॉन्टेनियसली चीजों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अडॉप्ट करते हैं, पीसफुली अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं ना, वो बड़े रेडिकल होते हैं, उनको बहुत जल्दी चेंज चाहिए, वो एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जब आज़ादी की जंग लड़ रहे थे तो कुछ लोग वो थे जो पीसफुली बैठ जाते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स से प्रोटेस्ट करते थे, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वो लोग थे जो रेडिकली वॉयलेंट तरीके से फ्रीडम को हासिल करने की कोशिश करते थे। कहते थे कि चाहे लाठी का इस्तेमाल करना पड़े, वॉयलेंस का इस्तेमाल करना पड़े, हम वो करने के लिए राजी हैं। तो उस सेक्शन में से बाल गंगाधर तिलक आते हैं। जब मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करता हूँ, वो चैंपियन है इंडियन नेशनलिज्म के, मतलब कि जो भारत के अंदर राष्ट्रवाद है उसके बहुत बड़े वो चैंपियन है। नेशनलिज्म सबसे पहले होता क्या है, तो नेशनलिज्म में एक फीलिंग होती है वननेस की। जैसे कि हम सब लोग हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, तो हम सब में एक भावना है, एक फीलिंग है कि हम सब एक ही हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। तो हमारा जो अपनी मदरलैंड है, जो हमारी भारत की भूमि है, जो हमारी हिंदुस्तान की सरजमी है, उसके लिए एक मोहब्बत है, तो वही एक नेशनलिज्म है। तो वो नेशनलिज्म के बहुत बड़े चैंपियन थे, और नेशनलिज्म की फीलिंग उस वक्त क्रिएट करना, नेशनलिज्म का चैंपियन होना, मतलब कि सारे हिंदुस्तानियों को आपस में यूनाइट करना और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना, ये एक उद्देश्य होता था इंडियन नेशनलिज्म को प्रमोट करने का। उसके बाद इसके अंदर आता है कि वो एक जर्नलिस्ट थे, वो एक एजुकेटर थे, वो एक लीडर थे, मतलब कि कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन के वो लीडर थे। उसके बाद वो बहुत बड़े एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए जो है वो फाइट लड़ी। उसके बाद इसके अंदर आता है दे यूज रेडिकल मींस टू अचीव फ्रीडम, उन्होंने रेडिकल मींस का इस्तेमाल किया फ्रीडम हासिल करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, रेडिकल मींस का मतलब होता है कि आप एक्सट्रीम पे जा रहे हो अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए। एक्सट्रीम का मतलब हुआ आपको बहुत जल्दी चेंज चाहिए। जैसे मॉडरेट्स क्या करते हैं, मॉडरेट्स पेटिशंस डालते हैं, पीसफुली अपनी डिमांड्स को मनवाते हैं, एक जगह पे प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं, राइट, और कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का इस्तेमाल करते हैं। और मॉडरेट से क्या होता है ना, बड़ा स्पॉन्टेनियसली सिस्टम में चेंजेस आती हैं, मतलब कि ये लोग बड़ा आराम से सब कुछ करते हैं। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, जो रेडिकल मींस को अडॉप्ट करते हैं ना, वो लोग कैसे होते हैं, वो एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। उनको अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाने के लिए अगर कहीं पे वायलेंस करनी पड़े तो वो कर देते हैं, कहीं पे दंगे करने पड़े तो वो कर देते हैं, उनको हंगामा करना पड़े तो वो कर देते हैं। तो रेडिकल का मतलब होता है आप बड़ा जल्दी सिस्टम में चेंजेस चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लोगों को पसंद नहीं आ रही है, तो उसमें दो सेक्शन होंगे। एक सेक्शन तो होगा मॉडरेट्स वाला, जो क्या करेंगे, आराम से पीसफुली बैठ के प्रोटेस्ट करेंगे और कहेंगे कि सरकार को हटा दो, बड़ा आराम से पेटिशंस डालेंगे, हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाएंगे, तो आराम से काम करेंगे। लेकिन एक सेक्शन होगा रेडिकल मीन्स वाला, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन, वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि तुम्हें अगर हमें सत्ता से हटाने के लिए वायलेंस भी करनी पड़े तो हम करने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं कि तुम जल्दी सत्ता से हटो, तो वो जल्दी में रहते हैं, हमेशा रेडिकल मींस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है बिफोर इट ओनली मॉडरेट्स वर देयर इन कांग्रेस, ब्रिटिश इग्नोर्स देम। इससे पहले जब बाल गंगाधर तिलक आए, उससे पहले कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट्स हुआ करते थे। बाल गंगाधर तिलक के आने के बाद कांग्रेस के अंदर एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन जो है वो उभर के आया। उससे पहले सारे लोग जो है मॉडरेट्स हुआ करते थे, सारे लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का इस्तेमाल करते थे। और उस वक्त क्या होता था, ब्रिटिशर्स उनको इग्नोर कर देते थे, क्योंकि वो बड़ा पीसफुली काम करते थे, तो ब्रिटिशर्स कहते थे कि इनके सब करने ना करने से ज्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं। लेकिन जैसे ही एक रेडिकल स्ट्रीम उभर के आई, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन उभर के आया, तो उन्होंने हंगामे किए, उन्होंने दंगे किए, तो इसलिए ब्रिटिशर्स को लगा कि ये लोग कुछ खतरनाक ना कर दें। तो इससे पहले क्या होता था, कांग्रेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट लीडर हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स उनको कभी कभार इग्नोर भी कर देते थे। उसके बाद इसके अंदर आता है रैशनल ऑफ सोशल चेंज, वो सोशल चेंज को किस तरह से देखते हैं, वो सोसाइटी के अंदर रिफॉर्म्स के बारे में क्या बात करते हैं। हम यहाँ पे जानेंगे कि बाल गंगाधर तिलक का क्या पर्सपेक्टिव था सोशल चेंज को लेके।
वो किस तरह से समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाना चाहते थे। तो वो इसके अंदर कहते हैं कि जो इंडियंस है ना, उनको ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स के लिए। क्या होता था हमारे समाज के अंदर, इंडियंस को लगता था कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे सोशल रिफॉर्म्स करेंगे। उनको लगता था कि सती सिस्टम, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसको यहाँ पे ब्रिटिशर्स खत्म कर देंगे, क्योंकि वो बड़े रैशनल लोग हैं, वो बड़े मॉडर्न लोग हैं, और जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी इवल प्रैक्टिसेस हैं उनको वो देख के खत्म कर देंगे। तो ऐसा हुआ भी, जैसे सती सिस्टम था यहाँ पे, तो उन्होंने उसको एबोलिश किया 1829 में। तो इस तरह से इंडियंस जो थे वो ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड थे, पढ़े लिखे जो लोग थे इंडिया के अंदर वो डिपेंड थे ब्रिटिशर्स के ऊपर के ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के अंदर समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि तुम्हें ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है सोशल रिफॉर्म्स के लिए। वो कहते हैं कि तुम खुद रिफॉर्म्स लाओ अपनी सोसाइटी के अंदर। वो कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स हमारे समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे भी ना, तो वो अपने बेनिफिट्स के लिए लाएंगे, वो अपना बेनिफिट देखेंगे उसमें, उससे हिंदुस्तानियों को ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमें ब्रिटिशर्स ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए सोशल रिफॉर्म्स के लिए। और वो कहते हैं कि एक समाज के अंदर क्विकली आप रिफॉर्म्स नहीं ला सकते। आप डायरेक्टली एक समाज के अंदर रिफॉर्म लाओगे, वहां पे केओस क्रिएट होंगे, वहां के जो लोगों के सेंटीमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे। तो वो कहते हैं कि हमारे समाज के लोगों को, हमें खुद ऊपर उठना होगा और हमें खुद रिफॉर्म लाने होंगे अपने समाज के अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हम रिफॉर्म लाएं समाज के अंदर, तभी हमारे समाज के अंदर अच्छे से रिफॉर्म होंगे, वरना बाहर से इम्पोज की हुई चीजें, बाहर से जो रिफॉर्म लाएंगे ब्रिटिशर्स, वो हमें जो है रास नहीं आएंगे। तो उसके अंदर वो कहते हैं ही अज्यूम्ड लीडरशिप रिफॉर्म्स इन हिंदूज। उन्होंने क्या किया, खुद ये लीडरशिप ले ली, खुद काम करने लग पड़े वो रिफॉर्म्स करने के लिए, वो खुद सोशल रिफॉर्म्स करने लग पड़े और लीडरशिप ले ली किसकी, सोशल रिफॉर्म्स करने के लिए हिंदूज के बीच में, जो हिंदूज के बीच में जितने भी इवल प्रैक्टिसेस थे उनको खत्म करने के लिए बाल गंगाधर तिलक आगे आए और उन्होंने ये कमान संभाली और खुद उन्होंने मेहनत की किसके लिए, सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आता है मोटिवेटेड इंडियंस टू ट्रेवल एब्रॉड। उन्होंने मोटिवेट किया इंडियंस को कि वो बाहर की दुनिया में भी जाएं, एब्रॉड में जाएं। इसका मतलब क्या है, क्या हिंदुस्तानी बाहर नहीं जाते थे, और उन्होंने मोटिवेट क्यों किया? तो हिंदुस्तान की सोसाइटी में क्या होता था ना, अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाना पाप माना जाता था, या फिर समुद्र को क्रॉस करना वो भी पाप माना जाता था। आप ट्रैवल नहीं कर सकते अब्रॉड, आप समुद्र को क्रॉस नहीं कर सकते, ये इस तरह के टैबूस हमारे समाज के अंदर बने हुए थे। और जो क्रॉस करता था, जो बाहर जाता था, तो वो एक पाप मान लिया जाता था हिंदूज की सोसाइटी के बीच में या इंडियन सोसाइटी के बीच में। तो उन्होंने कहा यार क्या बकवास कर रहे हो। तो उन्होंने मोटिवेट किया इंडियंस को कि तुम भी बाहर जाओ, तुम भी ट्रैवल करो अब्रॉड जाके। उसके बाद इसके अंदर आता है वो चाइल्ड मैरिज के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि छोटे बच्चों की शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो विडोरी मैरिज का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि विडोज की शादी हो जानी चाहिए, जिन वुमेन्स के पति मर गए हैं उनको पूरा अधिकार है कि वो दोबारा से शादी करें और अपनी जो जिंदगी है उसको आसान बना सकें। उसके बाद वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे। वो कहते थे ये जो छूत छात होती है, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होती है जातियों के बीच, अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो इसके भी बिल्कुल खिलाफ थे। उसके बाद इसके अंदर आता है रिफॉर्म इंडियन अकॉर्डिंग टू इंडियन कल्चरल वैल्यूज। वो कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से लाने हैं। वो इसके अंदर रेफरेंस देते हैं हमारे एंशियंट कल्चर की। वो बताते हैं यार देखो हमारे समाज के अंदर कितना हम खुशी से रहते थे, हर कोई इक्वल था, वहां पे कोई इवल प्रैक्टिसेस नहीं होती थी, वहां पे सती सिस्टम नहीं था, वहां पे वुमेन्स के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, वहां पे चाइल्ड मैरिज नहीं था, वुमेन्स की एजुकेशन थी। तो वो कहते हैं कि तुम्हें अपने समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाने हैं, लेकिन हमारे समाज के अंदर जो रिफॉर्म्स हैं, हमें अपने कल्चर को देखना है कि हम अपने कल्चर के हिसाब से अपने समाज के अंदर रिफॉर्म्स लाएं। हमारा कल्चर बहुत अच्छा हुआ करता था। वो कहते हैं कि ये जो तुम बेस्ट के गुण गाते हो ना, ये जो तुम कहते हो कि हम बेस्ट को देख के यहाँ पे रिफॉर्म्स लाएंगे, बेस्ट के अंदर लिबर्टी चल रही है, यूरोप के अंदर लोग मॉडर्नाइज हैं, तो वहां से तुम जो देख के यहाँ पे रिफॉर्म्स ला रहे हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने कल्चर को देख के रिफॉर्म्स लाओ, अपने आप को देखो पीछे कि तुम कितने अच्छे हुआ करते थे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप रिफॉर्म्स लाओ सोसाइटी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर आता है इंडिया हैज ओन स्पिरिचुअल कल्चर फॉरगॉटन बाय अस, सुपरस्टिशंस एंड इवल प्रैक्टिसेस इमर्ज्ड। इसके अंदर वो कहते हैं कि हिंदुस्तान का अपना एक स्पिरिचुअल कल्चर था, हिंदुस्तान का अपना एक बहुत अच्छा कल्चर हुआ करता था एंशियंट टाइम पे, इगैलिटेरियन सोसाइटी हुआ करती थी जहां पे हर किसी के इक्वल राइट्स हुआ करते थे, एक अच्छा समाज था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम अपनी सभ्यता को, हम अपने कल्चर को भूल गए। और हम जब अपने कल्चर को भूल गए ना, तो क्या हुआ,
तो हमारे समाज के अंदर बुराइयां पैदा हुई, हमारे समाज के अंदर सुपरस्टिशंस पैदा हुई, हमारा समाज जो है इसके अंदर टैबूज क्रिएट हुए और हमारा समाज जो है वो डिजेनरेट होने लगा। हमारा समाज अगर ईवल प्रैक्टिसेस के अंदर आज है, अगर आज हमारा समाज बिगड़ा हुआ है, इसके अंदर रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने पुराने कल्चर को भूल गए हैं, हम भूल गए हैं उस सभ्यता को जहां पे हर कोई बराबर था। तो इस चीज की बात करते हैं वो सोशल चेंज के अंदर। तो ये सब आइडिया था सोशल रिफॉर्म्स को लेके बाल गंगाधर तिलक का। उसके बाद सेकंड बाल गंगाधर तिलक बात करते हैं स्वराज की। स्वराज होता है अपना राज, हम खुद रूल करें। वो कहते हैं यार हिंदुस्तान हमारी जमीन है, तुम कौन होते हो यहाँ पे रूल करने वाले, ब्रिटिशर्स कौन होते हैं यहाँ पे रूल करने वाले, हम खुद यहाँ पे रूल करेंगे, हमारी खुद की सरकार होनी चाहिए यहाँ पे। तो इस तरह से वो स्वराज की बात करते हैं। वो कहते हैं कि स्वराज का मतलब है होम रूल फॉर इंडियंस, मतलब हिंदुस्तानियों का खुद का रूल हो हिंदुस्तान के अंदर, हम खुद यहाँ पे रूल करें। वो कहते हैं स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। वो कहते हैं स्वराज मेरा जो है वो जन्म का अधिकार है यार, मेरा बर्थ राइट है वो, और मैं इसको हासिल करके रहूंगा। वो कहते हैं कि खुद रूल करना हमारा अधिकार है और हम इसको हासिल करके रहेंगे। उसके बाद इसके अंदर आता है, वो कहते हैं कि जो ब्रिटिश किंग एम्परर है ना, जो ब्रिटेन की क्वीन है, वो हमारी क्वीन रहेगी सभी की, वो ब्रिटिशर्स की सोवरेनिटी हम सब पे रहे। वो कहते हैं कि नॉमिनली जो हिंदुस्तान है वो ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में हो, हम आपकी क्वीन को क्वीन मानेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि तुम्हारा रूल नहीं होना चाहिए यहाँ पे, हम हिंदुस्तानी खुद रूल करें हिंदुस्तान के अंदर, तुम्हारी जो सोवरेनिटी है उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो तुम सोवरेन हो। जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी, तो प्रिंसली स्टेट्स जो है ना खुद रूल करती थी अपने आप को, जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स होती थी तो वहां पे राजा महाराजा खुद रूल किया करते थे अपनी स्टेट्स के अंदर, लेकिन ब्रिटिशर्स की उन्होंने सोवरेनिटी एक्सेप्ट की होती थी कि सबके ऊपर जो है वो ब्रिटिशर्स ही है, लेकिन तुम्हें अथॉरिटी दे दी है कि तुम खुद रूल करो अपनी टेरिटरी के अंदर। तो वो इसी तरह से कहते हैं कि तुम्हारी सोवरेनिटी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, तुम हमारे सुप्रीम हो हम मान लेते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम खुद रूल करेंगे अपने देश में, इस चीज की वो बात कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है अपोज्ड मॉडरेट्स इन कांग्रेस। उन्होंने जो कांग्रेस के अंदर मॉडरेट्स थे ना उनको अपोज किया, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले जैसे लोग, उन लोगों को उन्होंने अपोज किया। वो जो ये जो लोग थे वो पीसफुल मींस का इस्तेमाल करते थे अपनी बातों को मनवाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का इस्तेमाल करते थे, तो एजिटेशन करते थे बड़ा आराम से, पेटिशंस डालते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके, एडिटोरियल्स लिखते थे न्यूज़पेपर में लिखते थे, तो इस तरह से अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाते थे बड़ा आराम आराम से, धीमे धीमे प्रोसेस चल रहा था। तो उन्होंने अपोज किया उनको, उन्होंने कहा यार तुम क्या ये धीमे धीमे लगे हुए हो यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि हम एक्सट्रीमिज्म के थ्रू आजादी हासिल करेंगे, हम रेडिकल मीन से आजादी को हासिल करेंगे। उसके अंदर इसके अंदर आता है लाल बाल पाल। लाल बाल पाल आप सबने सुना होगा, तीन लोग थे, ये तीन लोगों का ग्रुप हुआ करता था जो तीनों एक्सट्रीमिस्ट थे, जिसके अंदर लाल से लाला लाजपत राय आते हैं, बाल से बाल गंगाधर तिलक आते हैं जिनकी हम अभी बात कर रही हैं, और पाल से बिपिन चंद्र पाल आते हैं। तो ये तीन लोग थे और इन तीनों लोगों का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था, ये तीनों लोग जो है एक्सट्रीमिस्ट हुआ करते थे, रेडिकल मीन्स का इस्तेमाल करते थे आजादी को हासिल करने के लिए। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन पे चले गए, मतलब कि आजादी हासिल करने के लिए। उसके बाद इसके अंदर आता है वी वॉन्ट इक्वालिटी, वी कैनॉट रिमेन स्लेव्स अंडर ब्रिटिश रूल। वो कहते हैं हमें यार इक्वालिटी चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हम ब्रिटिश रूल के अंडर स्लेव्स की तरह नहीं रह सकते। स्लेव्स कौन होते हैं? स्लेव्स होते हैं आपके नौकर, जो आप उनको बोल रहे हैं वही कर रहे हैं वो। तो वो कहते हैं कि यार हमें भी अपना हक दो, हमें बराबरी दो, हम कोई स्लेव्स हैं जो तुम्हारे नीचे रहना है हमें। इस चीज की वो बात करते हैं स्वराज के अंदर। उसके बाद इसके अंदर वो बात करते हैं पॉलिटिकल टेक्निक्स टू अचीव स्वराज। वो कहते हैं कि अगर हमें सेल्फ रूल करना है, अगर हमें अपनी सरकार चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, अगर हमें स्वराज हासिल करना है, तो उसकी कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम स्वराज को हासिल कर सकते हैं, कौन से वो ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम अपने स्वराज को, अपने सेल्फ रूल को हासिल कर सकते हैं, हम खुद रूल कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो कुछ वो टेक्निक्स बताते हैं कि इन टेक्निक्स के थ्रू, इन चीजों के थ्रू आप जो है हिंदुस्तान में अपना रूल इस्टेब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहले वो बात कहते हैं स्वदेशी की। वो कहते हैं कि आप जो बाहर का बना हुआ है उसको इस्तेमाल ही नहीं करो, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पे सामान बेचते हैं लाके, जो ब्रिटिशर्स की गुड्स हैं उसको इस्तेमाल ही नहीं करो, उसको खरीदो ही नहीं। तो ये ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करने का कितना अच्छा तरीका है कि जिस मोटिव से वो हिंदुस्तान के अंदर आए हैं, पैसे कमाने के मोटिव से यहाँ पे अपना सामान बेच रहे हैं, तुम वो सामान ही नहीं खरीदो, मेड इन इंडिया यूज करो, हिंदुस्तान का बना हुआ इस्तेमाल करो। उसके बाद वो इसके अंदर सेकंड कहते हैं बायकॉट। वही बात हो गई कि ब्रिटिशर्स की जितनी भी चीजें हैं उनको बायकॉट कर दो, उनको खरीदो ही नहीं।
तो जिससे ब्रिटिशर्स क्या होंगे, डिमोटिवेट हो जाएंगे। उसके बाद वो तीसरा इसके अंदर बात करते हैं पैसिव रेजिस्टेंस। पैसिव रेजिस्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है, पैसिव रेजिस्टेंस का मतलब है डोंट ओबे द लॉज विच आर अगेंस्ट जस्टिस एंड मोरालिटी। वो कहते हैं कि कोई अगर ऐसा लॉ ब्रिटिशर्स बना देते हैं जो आपको लगता है कि इंसाफ के खिलाफ है, जो आपको लगता है कि आपके खिलाफ है, या फिर मोरालिटी के खिलाफ है, कॉमन मासेस के खिलाफ है, या फिर जो अन्याय है, तो वो कहते हैं कि तुम फॉलो ही नहीं करो उस लॉ को। सीधी सी बात, ब्रिटिशर्स ने कोई लॉ बनाया और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ उससे डिस्क्रिमिनेशन होगी, तुम्हें उससे इंसाफ नहीं मिलेगा, वो जो है मोरालिटी के अगेंस्ट है, तो तुम फॉलो ही नहीं करो उस लॉ को ही बॉयकॉट कर दो। तो इस तरह से वो कहते हैं कि तुम पैसिव रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करो। अगर कोई लॉ जो तुम्हारे खिलाफ है, जो हमें फायदा नहीं पहुंचाएगा, तो उसको फॉलो ही नहीं करो। उसके बाद इसके अंदर आता है नो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। क्या होता था, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, मॉडरेट्स क्या करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी बात को आगे रखते थे। वो कहते थे कि हम संविधान के दायरे में रहेंगे, हम ऐसी चीजें नहीं करेंगे जो क्राइम हो, जो जुर्म हो। तो वो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से अपनी बातों को आगे रखोगे, तो वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है ही कहां हिंदुस्तान के अंदर, जिससे तुम कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवा रहे हो। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो क्या हमारा ये हाल होता। तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का क्या मतलब है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मींस की आप बात कर रहे हो। तो इस तरह से वो बात करते हैं, वो बात करते हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सबके पास राइट्स होते, हर कोई यहां पे इलेक्शन लड़ सकता था, रूलर्स को इलेक्ट कर सकता था। लेकिन वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं ना, तो तुम किस चीज की बात कर रहे हो, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मींस की बात कर रहे हो। उसके बाद इसके अंदर आता है कंडेमनेशन ऑफ मॉडरेट मेथड्स। जो भी मॉडरेट्स के मेथड्स थे, मैंने आपको बताया जो मॉडरेट्स अपने मेथड्स का इस्तेमाल करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मींस का, वो प्रेयर्स करते थे, उसके बाद वो पेटिशंस डालते थे सरकार को, मेमोरेंडम्स डालते थे, लिख के दे देते थे हमारी ये डिमांड्स हैं, और कभी कभी उन डिमांड्स के ऊपर ना, उन फाइलों के ऊपर जो सरकारी ऑफिसेस में पड़ी होती थी उनके ऊपर धूल जम जाती थी, कोई नहीं देखता था उनको फाइल्स को। तो वो उस चीज को कंडेम करते हैं, उसके वो अगेंस्ट थे। वो कहते हैं कि मॉडरेट मेथड्स ये सब अफवाह है, तुम मॉडरेट मेथड से कुछ हासिल नहीं करोगे। उसके बाद इसके अंदर वो नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एजुकेशन की। वो कहते हैं कि हमारे देश के अंदर नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए, हमारे देश के लोगों को नेशनल एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो अपोज करते हैं ब्रिटिश एजुकेशन को, या फिर वो अपोज करते हैं किसको, वेस्टर्न एजुकेशन को। वो वेस्टर्न एजुकेशन के बिल्कुल खिलाफ थे। वो कहते थे कि तुम्हारी जो वेस्टर्न एजुकेशन है ना, जो ब्रिटिशर्स की वेस्टर्न एजुकेशन है, वो सिर्फ क्लर्क्स पैदा करती है, मतलब कि वो हिंदुस्तानियों को सिर्फ क्लर्क बना सकती है, हिंदुस्तानियों को सिर्फ नौकर बनना सिखाती है, हिंदुस्तानियों को सिर्फ इंफीरियर बनना सिखाती है कि हाँ हम छोटे लोग हैं, ब्रिटिशर्स हमसे बड़े लोग हैं। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स की एजुकेशन है उससे हिंदुस्तानियों का भला नहीं होगा, हिंदुस्तानी उससे बड़े नहीं बन सकते हैं, उससे वो सिर्फ क्लर्क बन सकते हैं, चपरासी बन सकते हैं, पियन बन सकते हैं, और कुछ नहीं बन सकते। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारी नेशनल एजुकेशन है, अगर हम नेशनल एजुकेशन को पढ़ेंगे, अगर हमारे देश की एजुकेशन यहाँ पे होगी, तो उससे लोगों के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी, राष्ट्रवाद की फीलिंग आएगी, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग आएगी, जिससे जो है स्वराज हासिल होगा हमें। उसके बाद इसके अंदर आता है कंडेम्ड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी। जो ब्रिटिशर्स की अफसरशाही थी ना, जो उनकी ब्यूरोक्रेसी थी, जैसे उनके अंदर सिविल सर्वेंट्स होते थे, जो बड़े बड़े अफसर होते थे, उसको वो अपोज करते हैं, उसको कंडेम्ड करते हैं। वो कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, जो ब्रिटिशर्स की ब्यूरोक्रेसी है, उससे सिर्फ करप्शन पैदा होती है समाज के अंदर, ये सिर्फ लोग करप्शन करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारे ऑफिसर्स सिर्फ करप्शन करते हैं और अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं, जो उनको अथॉरिटी मिली हुई है उसका मिसयूज करते हैं। उसके बाद इसके अंदर आता है प्रोपोगेशन ऑफ इंडियन कल्चर। वो कहते हैं कि जो हमारा हिंदुस्तान का कल्चर है, जो हमारी सभ्यता है, और खास करके जो हमारा एंशिएंट कल्चर था, जहां पे इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, हर कोई बराबर था, वो कहते हैं कि उसको प्रमोट करो तुम लोग। वो कहते हैं कि वेदांता फिलॉसफी के ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। वेदास की जो फिलॉसफी है, वेदास के जो लास्ट पार्ट्स हैं, उसके अंदर जो फिलॉसफी लिखी हुई है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए, उससे हमारा समाज बड़ा बेहतर समाज बनेगा। हमें ये जो वेस्टर्न चीजें हैं, ये जो यूरोप की चीजें हैं, इनको फॉलो नहीं करना चाहिए। हमारे पास हमारी अपनी वेदास की फिलॉसफी है, वेदांता फिलॉसफी है, और वो सबसे बेहतर फिलॉसफी है। उसके बाद इसके अंदर वो नेशनलिज्म की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तानियों के अंदर नेशनलिज्म को प्रमोट करना होगा, राष्ट्रवाद को प्रमोट करना होगा। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है कि हम सब लोगों में ना एक यूनिटी है, हम सब लोगों में एक फीलिंग ऑफ वननेस है। क्या है? एक फीलिंग ऑफ वननेस है, हम सब लोग एक हैं, इस तरह की हमारे अंदर एक भावना है।
वो फीलिंग ऑफ वननेस कहाँ से आती है? हो सकता है हमारा कोई कॉमन कल्चर हो सकता है हमारा कोई कॉमन रिलीजन हो सकता है हमारी कॉमन एक सरजमीन हो, हमारी कॉमन टेरिटरी हो सकता है हमारा कॉमन जो है ट्रेडिशन हो सकता है हमारी कॉमन लैंग्वेज हो। तो कोई भी फैक्टर हो सकता है जो हमें यूनिफाई करता हो, जो हमें यूनाइट करता हो। तो वो कहते हैं कि ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, ये जो हमारी फीलिंग है कि हम सब लोग एक हैं, उसके पीछे कोई भी फैक्टर हो सकता है। ये फीलिंग जो है वो प्रमोट होनी चाहिए, हमारे बीच में जो है एकता की भावना पैदा होनी चाहिए, तभी हम जो है स्वराज हासिल कर सकते हैं, तभी हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट स्थापित कर सकते हैं इस देश के अंदर। इस तरह से वो अलग अलग फैक्टर्स की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह से हम स्वराज हासिल कर सकते हैं, स्वराज मतलब अपना राज हासिल कर सकते हैं, खुद रूल कर सकते हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो इस तरह से हमने बाल गंगाधर तिलक की बात की, हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एक एक्सट्रीमिस्ट थे, वो रेडिकल मीन्स के ऊपर विश्वास रखते थे, वो मॉडरेट्स के बिल्कुल खिलाफ थे, वो कांग्रेस के लीडर थे और साथ ही साथ उनको इंडियन नेशनलिज्म का चैंपियन भी कहा जाता है। उन्होंने स्वराज की बात की, उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स की बात की कि किस तरह से हम समाज के अंदर सोशल रिफॉर्म्स ला सकते हैं। और इसी तरह से उनके साथ एक दो लोग और जुड़े हुए थे जिनको हर कोई जानता है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जिनकी हम बात कर रहे हैं और बिपिन चंद्रपाल। ये तीन लोग थे जो हमारे देश के अंदर जाने माने एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, वो हमारे कांग्रेस के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन थी उसमें से आते थे। तो इस तरह से हम डिस्कस करते हैं बाल गंगाधर तिलक को। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपके साथ एक नेक्स्ट टॉपिक में। और साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में, तब तक आप सबको धन्यवाद।